फ्रेंड संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सेव टमाटर की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। इसे बनाती बहुत तरीके से हूँ, परंतु एक तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस थोड़ा वीडियो को थोड़ा देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी है। देखिए, रतलाम सेव है, ये राजस्थान गुजरात सब जगह मिलती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें लौंग का फ्लेवर बहुत होता है, जिसकी वजह से ये तीखापन इसमें होता है। इसमें बहुत सुंदर सा टेस्ट होता है लौंग की वजह से, बहुत अच्छी है। देखिए, एक बॉल ली हूँ और यह छोटा सा अदरक का टुकड़ा को छील कर छोटे छोटे टुकड़े में ही काट ली हूँ। और हरी वाली जो मिर्च आती है उसको एक दो या जितना आपको अच्छा लगता है तीखा वो ले लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा, इसको भी बारीक या मोटा थोड़ा जैसा आपको अच्छा लगे काट लीजिएगा। इस साइज का मैं टमाटर ली थी और ये देसी वाली टमाटर मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरह का मैं 2 टमाटर ली थी। और यहाँ पर देखिए, लहसुन थोड़ा इसमें लगता है, इसको मैं बारीक ही थोड़ा सा काट ली हूँ। और इसमें कड़ी पत्ता बहुत सुंदर फ्लेवर देती है, इसको 1 से 2 चम्मच में ले ली हूँ। और एक बड़े साइज का प्याज को बारीक ही काट ली हूँ। और यहाँ धनिया पत्ती भी मैं थोड़ा बारीक ही काट ली हूँ, आधा बॉल लगभग होगा। और 2 तेज पात है, इसको धोकर मैं ले रही हूँ। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छी है। और इसको क्या, गैस चूल्हा पे मैं नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें देखिए, तेल आप आपका अपनी पसंद है, ज़्यादा तेल कम तेल जैसा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 से 2.5 चम्मच तेल डाल दी हूँ। और तेल जब गर्म हो जाए ना, तो आधा चम्मच आप इसमें जीरा डाल दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा से मस्त फूट गई है। अब इसमें देखिए, 2 तेज पात में जो धो के ली थी उसको डाल दी, इस तरह से डाल दी। अब इसमें देखें, लहसुन तो अदरक, फिलहाल तो मैं अभी अदरक डाल रही हूँ, मिर्च जो काट के रखी थी ना वो भी डाल दी। और देखिए यहाँ लहसुन, इससे इसका फ्लेवर बहुत सुंदर आता है, इसमें बहुत अच्छी लगती। ज़्यादा मसाला पीस उसके डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें लहसुन से बहुत सुंदर फ्लेवर आता है। और कड़ी पत्ता में देखें, यहाँ पर फ्रेश ली हुई हूँ वो भी डाल दी, इसमें बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसमें देखिए, मैंने प्याज एक बड़े साइज का जो है बारीक ही काटी हुई थी थोड़ा, उसको भी डाल दी। इसको थोड़ा सा इस तरह से इस चला दीजिएगा और आंच को थोड़ा क्या ना मीडियम पे अभी फिलहाल रख दीजिए, 1 से 2 मिनट। अपने आंच में पकती है ना जब प्याज और सब, तो बहुत सुंदर इसका फ्लेवर आता है और टेस्टी लगती है सब्जी। देखिए इसका थोड़ा सा कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का हल्का पिंक दिख रहा है ना इसी तरफ, देख बहुत इसको इस तरह से आराम से बनाइए, इस तरह से चलाइए सब्जी को, जितना प्यार से बनाया जाता है टेस्ट उतना ही निखर के आता है। देखिए इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक ले ली हूँ, फास्टिंग वाला खाती तो वही डाल रही हूँ। और लगभग 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर ली हुई हूँ। और यहाँ देखिए मिर्च पाउडर मैं स्वाद अनुसार ली हूँ, यहाँ पर आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सब्जी मसाला, गरम मसाला जो है वो आधा चम्मच लगभग ले लीजिए, इसे फ्लेवर बहुत सुंदर आएगा। देखिए इस तरह से ले ली। और इसमें क्या है, थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा इसको मिला दूंगी स्पून की सहायता से, तो इसका टेस्ट जो है ना मसाले में बहुत अच्छा लगेगा। इसका मसाला जब भूंजेगा ना, बहुत सुंदर देगी इसका फ्लेवर। देखिए इस तरह से सब मसालों को मैं मिलाकर स्पून की सहायता से इस तरह से इसको मिला रही हूँ। इस तरह से मिला लेने से ना बहुत अच्छा लगता है, इसका अलग ही फ्लेवर होता है। और ऐसे डालते हैं ना, उसका अलग फ्लेवर होता है। देखिए कितना अच्छा से मैं इसको मिला ली हूँ, इसको साइड पे रख देती हूँ फिलहाल अभी। अब प्याज का कलर देखिए कितना अच्छा सा पिंक कलर का हो गया है, बहुत अच्छे से इसी तरह का हमें चाहिए। इन बहुत अच्छे से अपने ही आँच में मैं इसको पकने दी हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए पकने दी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए 2 से 3 टमाटर डाल दीजिएगा इसको इस तरह से। देखिए मैं इसको थोड़ा रफली तो बारीक जैसा आपको मन करता है वैसे इसको काट के इसमें डाल दीजिएगा। अब आँच को क्या है ना थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा फूल पे भी रख सकती हैं, मीडियम पे भी रख सकती हैं। इस तरह का 2 टमाटर मैं फिर से काट कर इसका प्यूरे टाइप का बना लूँगी, फिर उसको डालूँगी। देखिए इस तरह से मैं मिक्सी में पीस ली और इसको भी डाल दूँगी।
तो बहुत अच्छा लगेगा, आधा खड़ा आधा पिसा इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और ग्रेवी भी बहुत ही इसकी टेस्टी लगती है, बहुत गाढ़ी सी लगती है, बहुत मज़ा आता है। देखिए इस तरह से इसको भून लेना है। आँच को मैं आपको बता ही दी, आप फुल पे तो मीडियम पे रख के इसको भूनिए अच्छा से। और देखिए मसाला जो मैं थोड़ा पानी डाल के मिला ली थी ना, इसको भी डाल दी इस तरह से। इस तरह से इसको डाल दीजिएगा। अब मसाला ऐसा सब टमाटर बहुत अच्छे से गल जाना चाहिए, अच्छा से भुनाना चाहिए, तो बहुत सुंदर लगती है सेव टमाटर की सब्जी। देखिए इस तरह से मैं बनाती हूँ, एक तरीका से बना रही हूँ इस तरह से। और देखिए इसमें मिक्सी में जो भी टमाटर पीसी थी ना पॉट में डालकर, इसको थोड़ा पानी डाल दी, मसाले वाले बॉल में भी थोड़ा पानी डाल के इसको भी इसी में डाल दूंगी। देखिए अब इसको अच्छे से फूल आंच पे, तो मीडियम आंच पे कुछ देर तक इसको पकाइए, 5 से 10 मिनट का टाइम जरूर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा इसे। और टमाटर की सब्जी तो मैं एमपी में थी ना, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र थी, वहाँ भी मैं इसको देखी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और राजस्थान में भी बहुत पसंद करते हैं, मैं जैसलमेर में भी 1.5 साल रही, वहाँ भी बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ गुजरात में अभी हूँ तो यहाँ भी देखती हूँ बहुत लोग पसंद करते हैं सेव टमाटर की सब्जी, और अच्छी भी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है इस तरह से। देखिए मैं बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी डाल दी हूँ। अब इसको इसी तरह से अच्छे से पकाइएगा, बढ़िया से फूल आंच रख दीजिए, तो लीड लगा कर, तो ढक्कन लगा के इसको पकाएंगी ना, तो इसका फ्लेवर खुल कर आता है। इस तरह से बीच बीच में देखिए मैं चलाती रहूंगी ताकि मसाला जले नहीं, और जलेगा ना तो टेस्ट बेकार हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से इसको देखिए मैं दाब दाब कर इसी तरह से भूनती रहूंगी इसको। क्या मसाले को भूनने में ना मात्र 10 मिनट टाइम लगता है, पर बहुत अच्छे से भून जाती, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप घी बटर डाल सकती हैं, देखिए मैं 1 चम्मच लगभग इसमें डाल दी हूँ। इसमें आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मस्त लगती है खाने में, मैं क्या बताऊं। इस तरह से मैं बनाती हूँ। और देखिए इसको घी डाल दी हूँ 1 चम्मच। अब इसमें धनिया पत्ती जो मैं थोड़ा सा बारीक काटी थी इसको भी डाल दी, इस तरह से डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत सुंदर आएगा। और इसको थोड़ा देर इसी तरह से चलाइए जैसे मैं चला रही हूँ, देखिए इस तरह से बहुत इसकी मस्त, टमाटर की वजह थोड़ा सा इसमें टमाटर ज़्यादा लगता है पर अच्छी लगती है सब्जी, बहुत अच्छी बनती है। देखिए कितना अच्छा इसका पानी भी सूख गया है, कितना अच्छा लग रहा है, ग्रेवी कितना अच्छा गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। अगर आप पतली वाली ग्रेवी के साथ खाना चाहती तो इसमें पानी डाल दीजिएगा, और मीडियम में खाना पसंद करती हैं ग्रेवी तो थोड़ा लटपटा रख दीजिएगा, मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। और इसके ऊपर क्या है ना, सेव को डाल कर खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गीला बनाना है तो इसी समय सेव डाल दीजिए। अब मैं क्या इसको थोड़ा सा इसके ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी वाली बना रही हूँ। इसमें देखिए मैं पानी अलग से नहीं डाली, जो बॉल में थोड़ा बहुत मसाला के साथ डाली थी ना उतना ही इसमें डाली हूँ, अलग से पानी नहीं डाली हूँ। देखिए इस तरह से इसको मस्त से चला दी। इसको पकने में देखिए अभी 10 मिनट लगभग हो गया है, 5 से 10 मिनट आपको बोली ही थी। अब इसको देखिए मैं कैसे करती हूँ, ये कितनी अच्छी भून गई है ना, देखिए कितनी अच्छी। अब इसको प्लेट में बढ़िया से निकाल लीजिए, अच्छे से इसको निकाल के बढ़िया से फैला लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से। इस तरह से बहुत अच्छी लगती है, इसमें क्रंचीपन आता है। देखिए इस तरह से मैं सारे टमाटर जो भुनी हूँ ना मसाला के साथ इसको इस तरह से डाल दी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो सेव है ना एक बॉल ली थी इसको ऊपर से डालिएगा, और गरम गरम रोटी पराठा नान या चावल के साथ खाइए, पर रोटी पराठा पूड़ी के साथ तो बिंदास जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं एमपी में देखी ये सब्जी तो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और गुजरात में भी यही हाल है, और ये राजस्थान का भी यही हाल है, बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी भी लगती है। एक बार इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे सेव टमाटर की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।